श्री राधे, हर हर महादेव, हर हर गंगे। हिंदू धर्म में हर एक पर्व का विशेष महत्व है, ये तो आप जानते ही हैं। हर साल वैशाख माह शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी का महापर्व मनाया जाता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान, पूजा पाठ, दान पुण्य के कर्मों को बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ ने माता गंगा के वेग को कम करने के लिए अपनी जटाओं में धारण किया था। साथ ही यह भी कहा जाता है कि गंगा सप्तमी के दिन ही माँ गंगा ने स्वर्ग लोक से भगवान शिव की जटाओं में स्थान प्राप्त किया था, इसलिए गंगा सप्तमी का यह पर्व अत्यंत खास माना जाता है। इस वर्ष पंचांग के अनुसार 14 मई को गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाएगा। 14 मई को सुबह 2:50 पर गंगा सप्तमी का शुभ मुहूर्त आरंभ होगा और अगले दिन 15 मई को सुबह 4:19 पर समापन होगा। तो उदया तिथि के अनुसार 14 मई को गंगा सप्तमी का विशेष पर्व मनाया जाएगा। इस वर्ष वृद्धि योग, रवि योग, करण योग समेत 3 शुभ संयोगों में गंगा सप्तमी मनाई जाएगी, जिससे कि आप जो भी पूजा पाठ करेंगे उसका आपको कई गुना शुभ फल प्राप्त होगा, तो ये मौका आप छोड़ना मत। गंगा सप्तमी के दिन भगवान शंकर और श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए और संभव हो तो गंगा तट पर स्नान करें और वहीं पर भगवान भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अभिषेक कराएं। इससे आपको न जाने कितने पुण्य फलों की प्राप्ति होगी, दुख और कष्टों से मुक्ति प्राप्त होगी। गंगा सप्तमी के दिन धार्मिक मान्यता है कि गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा का पूजन करने से स्नान दान इत्यादि से पुण्य फलों की प्राप्ति के साथ साथ जातक को अनेक कष्टों से मुक्ति मिलती है। गंगा पूजन से ग्रहों के अशुभ प्रभावों को कम किया जा सकता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और वहीं अगर आप किसी कारणवश गंगा स्नान और पूजा के लिए बाहर नहीं जा सकते तो आप घर पर ही विधि विधान से माँ गंगा की पूजा करें। गंगा सप्तमी के दिन पानी में गंगा जल मिलाकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। माँ गंगा की तस्वीर स्थापित करें, कलश में थोड़ा सा गंगा जल भरें। देवी माँ को पुष्प, सिंदूर, अक्षत, गुलाल, लाल फूल, लाल चंदन समर्पित करें। इसके बाद गुड़, मिठाई, फल अर्पित करें। धूप दीप से माता गंगा के सहस्रनाम स्त्रोत का पाठ करें। गंगा सप्तमी पर माँ गंगा जी के वैदिक मंत्रों का जाप करें। पूजन के बाद आरती करें। तामसिक चीजों से विशेषकर दूर रहें। अंत में परिवार के लोगों में प्रसाद बांट दें। यदि कोई की विवाह समस्या चल रही है तो गंगा सप्तमी के दिन गंगा जल में 5 बेलपत्र डालकर यदि आप भोलेनाथ जी को समर्पित करते हैं तो आपकी विवाह समस्या का होगा निवारण। रखिएगा पूर्ण विश्वास। कैसी लगी यह जानकारी? इसी के साथ चाहते हैं आपसे विदा। श्री राधे, हर हर महादेव, हर हर गंगे।